ट्रेड रेडी है तो शुरुआत करते हैं। अनुज जी, स्टॉक वही है आईसीआईसीआई बैंक का 1240 का कॉल ऑप्शन, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग 1950 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 28 से लेके 32 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं इंट्राडे में। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है 16 रुपए के आसपास, एंड खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के 1240 के कॉल ऑप्शन में। ICICI 1240 कॉल। राजेश पालवे जी, आपका FNO सुपरस्टार। तो अनु जी, कोल इंडिया पे बाय करने की सलाह है। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और कंफर्टेबली स्टॉक 500 रुपए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकता है। 515 520 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए कोल इंडिया फ्यूचर पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 498 के आसपास। ओके, कोल इंडिया का बाय ट्रेड है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग स्कीम पे। और शिवांगी जी, आपका चार्ट का चमत्कार, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, चूज़ किया है मैंने फैक्ट। पिछले 16 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब अपने हायर जोन्स को निकालने की पूरी तैयारी कर रहा है। वीकली बेसिस पे हमने देखा कि काफ़ी एक नैरो रेंज फॉर्मेशन हो रहा था, वहाँ से अब यू नो स्टॉक अब हायर सपोर्ट्स की तरफ यू नो अच्छे से लेते हुए अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। मंथली बेसिस पे भी फॉलो अप बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और सीजनैलिटी वाइज ये पूरा सेक्टर जो है काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट भी करता है इस महीने में। सो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 1170 के टारगेट्स के लिए, इसमें खरीदारी करें 1100 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, फैक्ट आपका ट्रेड 1124 पे, चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा के चलते हम नरेंद्र सोलंकी जी के पास। नरेंद्र जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज के लिए मिड कैप फंडा? जी गुड मॉर्निंग। जी, हमारा जो आज का पिक है वो केबल्स एंड वायरलेस सेगमेंट से है। कंपनी का नाम है फिनोलेक्स केबल्स, और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 90-95% उनका ट्रेडिशनल केबल्स एंड वायरलेस का बिजनेस है, जिसमें इलेक्ट्रिक केबल्स और ऑप्टिक फाइबर केबल्स बनाते हैं। हालांकि कंपनी ने एक नया सेगमेंट भी ऐड किया है FMEG स्पेस में, जो कि ड्यूरेबल्स गुड्स बनाने का है, जो कि करंटली 5% है, और इसको कंपनी आगे जाके आने वाले 2-3 सालों में 10% अपने टोटल बिजनेस का करने वाली है, 500 करोड़ की टॉप लाइन के पास है। और अगर इसका जो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो जो भारत नेट के प्रोजेक्ट्स थे वो FY24 में थोड़े स्लो टेंडरिंग हो गई थी, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि जो फ्लोटेशन ऑफ टेंडर्स है वो काफी इंप्रूव हो रहे हैं, तो FY25 जो है उसमें काफी अच्छा टेंडरिंग प्रोसेस होने वाला है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ही अच्छी है। और Q4 के नतीजे भी कंपनी के बहुत ही अच्छे आए थे, तो इसमें जो हमारा टारगेट होगा वो 1950 रुपीज का होगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15% रेवेन्यू CAGR नेक्स्ट 2 ईयर्स एंड 20-21% पैट CAGR नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। ओके, फिनोलेक्स केबल्स आपका पसंदीदा स्टॉक आज है। चार ट्रेड्स आए आपकी स्क्रीन पे। सचिन, जिसे हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन के ट्रेड से आज, और पहला ट्रेड जो आपकी स्क्रीन पे रखा गया था वो था आज कॉल ICICI बैंक की 1240 की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 2832 ऑन द हायर साइड। राजेश पालवे जी ने पिक किया था कोल इंडिया, जिनको अगर आप देखें इस पर कोल इंडिया इंप्रेस कर रहा है फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 515-520। शिवांगी जी ने आज पिक किया था फैक्ट को, और ये उनका ट्रेड था फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1170। और टेरेन सोलंकी जी ने अभी अभी केबल्स और वायर सेगमेंट पे फोकस किया, और उनका ट्रेड, उनका इन्वेस्टमेंट कॉल था फिनोलेक्स केबल्स। निफ्टी इट्स 243636 एट ऑल टाइम हाई, बट अब उस